आजाद हुआ जब से देश तब से ही पालीवाल भवन में विराजे श्री गणेश। खबर कराहल से है, जहां लगभग देश की आज़ादी के समय से ही पालीवाल भवन में गणपति बप्पा के महोत्सव की प्रथा शुरू हो गई थी। बताया जाता है कि उस समय जब व्यवस्थाओं का काफ़ी अभाव हुआ करता था, तब बद्री पालीवाल जी ने अपनी बाल सखा टोली के साथ मिलकर भगवान गणेश जी की एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर भवन में विराजमान कर दी थी और फूल पत्तियों से पंडाल को सजा दिया था और शुरुआत कर दी थी। गजानन के आगमन की तब से लेकर अब तक 7 दशक बीत जाने के बाद भी ये परंपरा उनके परिवारजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निभाते आ रहे हैं। कहा जाता है कि ये श्री गणेश आयोजन पूरे नगर की आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। गजानन के आगमन और विसर्जन के बीच महाआरती, भजन कीर्तन, नृत्य, झांकियां आदि भव्य कार्यक्रम भवन में किए जाते हैं। गणपति महाराज की विदाई का पल आता है तो उनके चल समारोह में बाहर के कलाकार, झांकियां, घोड़े, विशेष रूप से सजी हुई अलग अलग टोलियां, डीजे, बैंड, हास्य कलाकार आदि शामिल होते हैं। अंत में नम और भीगी पलकों के साथ गणपति बप्पा का विसर्जन कर दिया जाता है और इंतज़ार किया जाता है उस लम्हे का कि फिर कब गणेश जी हमारे द्वार पधारेंगे। आज हम मौजूद हैं पालीवाल भवन में, जहाँ की ये बात बताई जाती है कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से ही श्री गजानन महाराज यहाँ विराजमान हुए। लंबी सदियों से प्रथा चली आ रही है, पूरे गांव का आस्था का केंद्र है। गणेश जी महाराज के बारे में हम मिलके जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गिरिराज पालीवाल जी। पालीवाल जी बताइए, क्या विशेषता है, क्या कैसे आयोजन किए जाते हैं? जब देश आज़ाद हुआ तो सभी के लोगों के मन में ये कल्पना आई कि अब हम आज़ाद हो गए हैं, खुलकर उत्सव मनाए जाएँ, हमारी भारतीय परम्परा को जीवंत रखा जाए। पिताजी श्री बद्री प्रसाद पालीवाल जी और उनके बाल सखाओं ने मिलकर मिट्टी के गणेश जी बनाए। उस समय के उपलब्ध संसाधन, जंगल के फूल पत्ती बेल इत्यादि लाकर भगवान श्री गणराज का भव्य दरबार सजाया जाता था, उत्सव मनाया जाता था। स्थानीय भजन मंडली के कलाकार भजनों की सुमधुर प्रस्तुति देकर पूरे वातावरण को भक्तिमय बनाते थे। आज बदलते परिवेश में गणेश उत्सव का स्वरूप बदला है और समय के आधुनिकीकरण के हिसाब से आज गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। और इस गणेश उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उस समय सभी भक्तों के मन में ये विचार आया, जब गणेश उत्सव हम मना रहे हैं तो आरती की रचना भी स्थानीय स्तर पर की जाए। उस समय के बुद्धिजीवियों को ये जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने जय जय श्री गणपति गणराज की रचना कर डाली और उसके प्रमाणीकरण के लिए सभी प्रबुद्धिजनों के मध्य में गणेश पालीवाल भवन के दरबार में वो रचना सुनाई गई। लोगों ने बहुत सराहा और समूचा हॉल श्री गणराज के नारों से गूंज उठा और पालीवाल भवन गणेश दरबार में उस आरती को गाए जाने की स्वीकृति सबने प्रदान की। आज वह आरती कराहल क्षेत्र के सभी गणेश पांडालों के अलावा जो लोग कराहल से जुड़े थे, विभिन्न विभिन्न राज्यों में या जिलों में चले गए, आज उनके घर पर भी पूरे भक्ति भाव से गणराज की यह आरती गाई जा रही है। सर, गणेश जी भगवान का जब रथ निकलता है, जब उनकी विदाई एक तरह से होती है, देखा गया है बड़ा ही भव्य होता है, हाथी घोड़े तमाम चीज़ें लाई जाती हैं, कहाँ से सर ये विचार आया, विदाई इतनी अभूतपूर्व कैसे की जाती है? गणपति हमारे घर के सदस्य हैं और जब कोई अपना विदा होता है तो उसकी विदाई भव्य हो और उस विदाई को भव्य स्वरूप देने के लिए दिल्ली से, हरियाणा से, केरल से, राजस्थान से, बड़े बड़े लोक संस्कृति से जुड़े कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है। गणेश जी की विदाई, सभी लोग विदा तो गणेश जी को कोई करना नहीं चाहता, लेकिन नम आँखों से, भीगी आँखों से गणराज की विदाई देते हैं और गणराज की विदाई भव्य हो, ऐसी हम सब की इच्छा रहती है। और उसी तारतम्य में विभिन्न विभिन्न जगह से कलाकार बुलाए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है बहन पूजा पालीवाल। पूजा जी बताइए, हमने देखा है कि गणेश जी का जब आगमन होता है, गणेश जी महाराज का जब विसर्जन होता है, तो आपने एक बड़ी एक अलग ही उमंग देखी है। आपके साथ जो आपका ग्रुप होता है, पगड़ी बांधकर गणेश जी को विसर्जित करने जाता है, नाचते झूमते जाते हैं, ऐसा उत्साह आप में कैसे जागृत होता है? ये तो भगवान गणेश जी की महिमा है। हमारे यहाँ हमारे बाबा जी के समय से हम लोग ये गणेश उत्सव मनाते आ रहे हैं, तो एक गणेश के आगमन पे जो खुशी हमको महसूस होती है हम सभी भाई बहनों में, हम सभी परिवारजनों में, तो वो एक अलग ही उत्साह है। अपने आप ही अंदर से अंतरात्मा बोलती है कि हाँ, हमको ये करना चाहिए। तो बस
हर बार हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ नया आप हर बार करते हो कि पिछली बार जो उससे कुछ हटके, इस बार हटके क्या करना चाह रहे हो? हटके अब ये तो गणेश जी भगवान जी अपने आप से ही पता नहीं क्या कुछ अलग अलग करवाते रहते हैं हर साल ही। जैसे पिछली बार हमने साफा बांध के पूरी फेरी की थी भगवान जी को लेकर, और हम सब रंगोलियां बनाते हैं, सभी बहन भाई लोग जो भी हैं दरबार सजाते हैं मिलजुल कर परिवार को। एक तरह से ये गणेश उत्सव जो है हमारे परिवार को एकजुट रखने का माध्यम है। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष बालकृष्ण शर्मा जी। शर्मा जी बताइए क्या महत्वता है इस पूरे प्रोग्राम की? महत्वता तो ये भगवान गणेश की जब कोई भी आराधना करता है तो एकात्म स्त्रोत में लिखा है विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनाम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। जो विद्या की कामना करता है भगवान गणपति उसको विद्या प्रदान करते हैं, जो धन की कामना करता है उसको धन प्रदान करते हैं, और जो पुत्र की कामना करता है उसको पुत्र प्रदान करते हैं, और जो मोक्ष की कामना करता है उसको भगवान गणपति मोक्ष प्रदान करते हैं। इस भगवान गणपति की आराधना कर से ये हमको फल प्राप्त होता है। सर हम देखते आ रहे हैं, जब से पालीवाल भवन में ये सज्जा सजाई जा रही है, आप भी यहाँ लगातार बने रहे हैं, क्या भूमिका रहती है सर, क्या प्रोग्रामों को क्या लेके आयोजन के लिए तैयारियाँ शुरू होती हैं? तैयारियों की बात अगर कही जाए ना तो 1892 से भारतवर्ष में यदि अगर ये वर्ष गणपति उत्सव मनाया जा रहा है, 1892 से गणपति उत्सव मनाया जा रहा है, वो खुशी की बात यह है कि कराल पूरे श्योपुर अंचल में, पूरे श्योपुर ज़िले में 73वीं वर्षगांठ सिर्फ एक कराल में और इसी पालीवाल भवन पर मनाया जा रहा है। यानी लगभग सर जब देश आज़ाद हुआ तब से ही यहाँ पर गणेश जी की स्थापना हो चुकी है? देश आज़ाद नहीं, देश आज़ाद ही के समय काल से ही है, क्योंकि 73वीं वर्ष जो है लगभग समय का, अब उसी के समकालीन है। 1892 से बाल गंगाधर तिलक ने जो उस समय जो प्रारंभ किया था उस समय से ये गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन 73वीं वर्षगांठ इस बार मनाए जा रहे हैं। तो हमको लगता है कि सोबर जिले में एक पहला स्थान एक ऐसा है पालीवाल भवन जहाँ हम उसको 73वीं वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं। क्या कुछ और कहना चाहते हो? पालीवाल भवन के बिल्कुल नजदीक रहते हो, हर बार देखा है आपकी यहाँ पे विशेष भूमिका रहती है, क्या बताना चाहते हो? हमने ये देखा है कि हमें पालीवाल भवन में हमारे जो बाबा थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गणेश जी का वो रखा है, और बहुत बढ़िया तरीके से मतलब उन्होंने जो किया है, और ये मान लो यहाँ पे यहाँ की जो पब्लिक है अपने क्षेत्रीय अंचल की पब्लिक है वो तो बहुत अच्छी प्रसन्नता में इस गणेश भगवान को बहुत बढ़िया तरीके से उसको करते हैं, और हमारे जो बाल गोपाल हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से मतलब उसको करते हैं, और साथ ही साथ में यह गणपति का पाठ भी करवाते हैं जो बिल्कुल गणेश भगवान की जो स्थापना करते हैं उसी समय से वो स्टार्ट होती है, जिस भगवान की अपन विसर्जन करते हैं उस दिन को उसी समय पर, और हमको बहुत अच्छा लगता है। हम बाल गोपालों से बहुत खुश है कि ये जो लोग ये लोग जो करते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम उनसे सभी लोगों का कहना है कि जो पालीवाल भवन है गणेश जी की जो स्थापना की जाती है, जो झांकियाँ सजाई जाती है, पूरे क्षेत्र में एक भक्ति में माहौल यहाँ बना दिया जाता है। 7-8 दिन न जाने कैसे गुजर जाते हैं, लोग कहते हैं कि विदाई के समय बड़ी आँखें हमारी नम रहती है, और हम प्रतीक्षा करते हैं कि कब दोबारा वो लम्हा आए कि गणेश जी दोबारा पालीवाल भवन में सजाए जाए।